नमस्कार, मैं संतोष जायसवाल, आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। दहिसर में उत्तर भारतीय ओबीसी महासभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब का सत्कार किया गया। नसीम खान साहब ने उत्तर भारतीय ओबीसी महासभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए और कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो एकजुट होते हैं। कार्यक्रम में ओबीसी समाज के कई संगठनों ने भाग लिया और सबको एकजुट होने की बात कही। आइए देखते हैं राजकुमार विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। जन विकास आवाज न्यूज। आज उत्तर भारतीय ओबीसी समाज का महासभा था दहिसर ईस्ट में। चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं लोग क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। सहयोग से बड़े बड़े पदों पर काम करने का अवसर मिला। महाराष्ट्र के 5-6 मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री बनकर काम किया गया। लाखों की जनसभाएं संबोधित करने का मौका मिला। बड़े सत्कार और बड़े तमाम सारी चीजें मान सम्मान मिला। लेकिन जब अपने घर में परिवार में कोई शाबाशी का थाप थपथपाता है पीठ पे तो सीना चौड़ा होके टूटता है। आज उत्तर भारतीय समाज इस शहर में, इस राज्य में संयुक्त महाराष्ट्र जब बना तब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवसाय के माध्यम से इस शहर में और इस राज्य में रहा। लोग चाहे यूपी हो, बिहार हो, अलग अलग जिले से इस शहर में 3-4 पीढ़ी पहले लोग आए, रोजी रोटी की तलाश में आए कि मुंबई जैसा शहर, मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है, मुंबई माया नगरी है, मुंबई में जाएंगे, मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे, 2 पैसा कमाएंगे, उसमें से 1 रुपया गांव भेजेंगे, खेत खलियान घर के बाप दादा की चौखट मजबूत बनी रहेगी और हमारा परिवार भी आगे बढ़ेगा। यही कोई सोच विचार करके लोग आए। आप भी आए होंगे प्रजापति जी, तो यही सोचे होंगे इस शहर, नहीं तो कौन अपने बाप दादा की चौखट और अपना खेत खलियान छोड़ के कहीं जाता है? कोई जाता है? और जब लोग घर से निकलते थे तो पूरा गांव आता था रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने के लिए और सब रोते थे। उस संस्कृति से जुड़े हुए हम लोग, जिस देश की अपनी माटी से प्यार करने वाला समाज हमारी ख्याति रही है। लेकिन इस शहर में भी एक किसी ने कहा कि हमारे फेरी वाले, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले जो व्यवसाय करते हैं छोटा मोटा, कभी कभी उनको परप्रांति के नाम पर मारा जाता है, पीटा जाता है। कोशिश किया था मारपीट करने की, दहशत पैदा करने की, लेकिन उनको ठीक करने का भी काम हम लोगों ने किया। जैसे मोरिया जी ने कहा, वकील साहब ने कहा कि संविधान है देश में, उस संविधान को लागू करने की इच्छा शक्ति रखने वाला नेतृत्व तो होना चाहिए। अगर वो नेतृत्व तो आपके साथ मजबूती से खड़ा है तो आपका कोई बाल बांका नहीं करता। आज लाखों की तादाद में हमारा समाज अलग अलग क्षेत्रों में, आज पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, चाहे मुंबई हो, वसई हो, विरार हो, ठाणा हो, पालघर हो, नई मुंबई हो, भिवंडी हो, शाहपुर हो, कल्याण हो, नासिक हो, पूना हो, सब जगह महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में है, विदर्भ का तो पूरा का पूरा 8 जिला पूरा हमारा हिंदी भाषी बेल्ट है। मध्य प्रदेश से काट कर बनाया गया। मैंने उस दिन मंत्रालय की मीटिंग में कहा, कुछ मराठी पत्रकारों ने पूछा, मराठी चैनल के लोगों ने, क्या परप्रांतियों को आरक्षण देने की बात करते? मैंने बोला कौन परप्रांति है, जब देश का संविधान महाराष्ट्र का कानून कहता है कि जो यहां रहता है वो यहां का रहवासी है, तो परप्रांति कैसे हुआ? अगर आप परप्रांति पे चर्चा करने लगेंगे तो ये दूर, बहुत दूर तक जाएगी। तो जितने रहते हैं सभी परप्रांति हैं। जो एकदम ठेका लेके घूम रहे थे, अब उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो भी परप्रांति थे, वो भी तो परप्रांति है, मध्य प्रदेश से आए थे। संयुक्त महाराष्ट्र बना
मध्य प्रदेश का 8 जिला काटकर महाराष्ट्र में जोड़ा गया, जो विदर्भ कहा जाता है, नागपुर से लेके अमरावती और पूरा उस तरफ का पूरा जो क्षेत्र है चंद्रपुर वगैरह, वो कहां का है? वो तो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश तो महाराष्ट्र का हिस्सा ही नहीं था सन 60 के पहले, जब संयुक्त महाराष्ट्र बना 1 मई को, तब वो 8 जिले काट के लिए गए। मराठवाड़ा का 8 जिला हैदराबाद से काट के जोड़ा गया। तो एक जब महाराष्ट्र की भूमि, महाराष्ट्र की रेखा बन चुकी है और इस महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोग महाराष्ट्र के रहवासी हैं, उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए, यह भूमिका होनी चाहिए। शर्मा जी अभी कह रहे थे कि मैं फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर था 99 में, मेरे पास चौबे की नगर सेवक हुआ करते थे दहीसर की, राजेंद्र चौबे मुझे याद, अब नहीं है वो, तो वो उनके वार्ड में फॉरेस्ट इलाका पूरा आता है और वहां पर रहने वाले लोगों को राशन कार्ड मिलता ही नहीं था। वो कहते थे कि नहीं आपको राशन कार्ड नहीं दिया जा सकता। चौबे जी एक दिन मंत्रालय आए, बोले भैया हमारे वार्ड में इतने लोग रहते हैं और सब अपने परदेशी हैं और किसी को राशन कार्ड ही नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड नहीं मिलता तो बिजली का बिल नहीं मिलता, बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता, और बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा तो स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, महानगर पालिका कल को देगी, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें थी। मैंने एक ही दिन में मीटिंग लगाया और मैंने निर्णय लिया सिर्फ दहिसर की फॉरेस्ट्री लैंड पे नहीं बल्कि मुंबई के फुटपाथ पर भी अगर कोई रहता है तो उसको भी राशन कार्ड बनाकर देना चाहिए, और सिर्फ देना ही नहीं चाहिए बल्कि एप्लीकेशन किया उसको 24 घंटे के अंदर देना चाहिए। 24 घंटे के अंदर वन विंडो सिस्टम का नया कानून इस शहर में, इस राज्य में बनाने का काम हम लोगों ने किया, और आपको बताऊं कि उसका इतना फायदा लोगों को हुआ कि राशन कार्ड मिला तो बाकी सुविधाएं मिलने लगी। जब फॉरेस्ट की लैंड की झोपड़पट्टियां हटने लगी, लगभग 25,000 लोग विस्थापित होने लगे वहां से, तो उसी 2000 के पहले के पुरावे के बेस पर सबको बिल्डिंग में मुफ्त में मकान देने का निर्णय मुंबई के हाईकोर्ट ने दिया कि सबको घर बसाना चाहिए, तो दिया गया। तो करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देश का संविधान इतना कठोर नहीं है, वो पूरा सबको अधिकार देता है। हमारे महेंद्र बाबू ने कहा अच्छी बात कि हमें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय लेने का तरीका भी हमें आना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि संगठित होइए और फिर संघर्ष करिए, जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक आप संघर्ष नहीं मजबूती से कर पाएंगे, और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप सभी दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि कोई भी दर्शक या जो भी व्यक्ति है जो अपने लेख, अपनी कविताएं और अपने कुछ वीडियोस को प्रदर्शित करना चाहते हैं, टेलीकास्ट करना चाहते हैं, तो जन विकास आवाज़ से संपर्क कर सकते हैं। जन विकास आवाज़ के सोशल मीडिया के जो हैंडल हैं उस पर जा सकते हैं, हमें ईमेल द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी बात जनता तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।